दोस्तों आज हमारा आखिरी सबक का हिस्सा ही दोम है। तो उर्दू की पहली किताब के हवाले से आज मुख्तलिफ वीडियोज हम बनाते जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ नए अल्फाज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारे साथ है सरकार का खजाना, सिन रे काफ अलिफ रे, सरकार काफ अलिफ का खे जे अलिफ नून है खजाना, सरकार का खजाना, सरकार का खजाना है नीम ये शीन है हमेशा हमेशा, कफ अलिफ का मीम ऐन मीम वाव लाम मामूल हमेशा का मामूल, सरकार का खजाना हमेशा का मामूल, फे अलिफ अम्जा ये दाल है फायदा फायदा, काफ याई की खे वाव अलिफ है शीन ख्वाहिश फायदा की ख्वाहिश, सरकार का खजाना हमेशा का मामूल फायदा की ख्वाहिश, मदरसा के नजदीक मीम दाल रेसिन है मदरसा, काफ याई के नून से दाल याई काफ नजदीक, जमाना जे मीम अलिफ नून है जमाना है मीम ये शीन है हमेशा, सिन याई से अलिफ ये का ए का, सिन अलिफ सा नून है ये नून होना नहीं, रे है प्यालिता रहता, जमाना हमेशा से एक सा नहीं रहता, सरकार का खजाना हमेशा का मामूल फायदा की ख्वाहिश, मदरसा के नजदीक जमाना हमेशा से एक सा नहीं रहता, मदरसा के नजदीक थोड़े फासले पर तालाब है मदरसा के नजदीक थोड़े फासले पर तालाब है, मीम दाल रेसिन है मदरसा, काफ याई के नून से दाल ये काफ नजदीक, ते है वाव रे है तोरे पे अलिफा स्वाद लाम है फासला पेरे पर, ते अलिफ लाम अलिफ बे तालाब है मदरसा के नजदीक तोरे फासले पर तालाब है तोरे फासला पर तालाब है। अब आगे पढ़ता हूँ, सरकार सिन रे कफ अलिफ रे, सरकार काफ याई के खे जे अलिफ नून है खजाना, मीम याई नून गुना में मीम लाम का मुल्क, कफ अलिफ का मीम है स्वाद वाव लाम महसूल, जिन मीम आए जमा है वाव प्यालिता होता है ये है, सरकार के खजाने में मुल्क का महसूल जमा होता है, सरकार के खजाने में मुल्क का महसूल जमा होता है, उसको पालकी में सवार होने का मकदूर नहीं है, अलिफ सिन उस काफ वाव को पे अलिफ लाम काफ ये पालकी पालकी, मीम ये नून होना में सीन वाव अलिफ रे सवार हे वाव नून ये होने, कफ अलिफ का मीम का दाल वाव रे मकदूर, नून है ये नुना नहीं हे ये है, उसको पालकी में सवार होने का मकदूर नहीं है, जमाना हमेशा से एक सा नहीं रहता, मदरसा के नजदीक थोड़े फासला पर तालाब है, सरकार के खजाना में मुल्क का महसूल जमा होता है, उसको पालकी में सवार होने का मकदूर नहीं है। दोस्तों ये हमारा आठवीं सबक का हिस्सा दोम था। आज के इस सबक में हमने मजीद कुछ अल्फाज और जुमलों को सीखने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी जो है वो मजीद नए अल्फाज को जोर तोड़ के जरिए से सीखने और समझने के हवाले से होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।